वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई काबीना इजलास में 7 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ बारे वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग दी गई। मजीद अहवाल जानेंगे राउदिलशाद हुसैन से। राउदिलशाद आगा कीजिए, इजलास में किन अमूर पर बातचीत की गई? बिल्कुल जी, पंजाब काबीना का नए तौर पर ये सात रुकनी एजेंडा था जिस पर ये इजलास हुआ है। आपके बताएं कि अब इजलास चूंकि खत्म हो चुका है और इजलास में खास तौर पर जो 45 अरब रुपए की सब्सिडी है बिजली के मामला के हवाले से इस्लामाबाद और पंजाब के सार्फीन को सब्सिडी देने के लिए इसकी मंजूरी दी गई है। जबकि इसी तरह से ज़कातो उशर के हवाले से जो एजेंडा था वो भी काबीना का हिस्सा था और अब डिसाइड ये किया गया है कि जो ही अब चूंकि इजलास खत्म हो चुका है और 1:10 पर वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो अपने इस जो जो उनका खिताब है वो जो काबीना से उन्होंने एड्रेस किया वो जो है वो नशर भी किया जाएगा। तो 7 रुकनी एजेंडा तमाम तर जो एजेंडा आइटम की उनकी मंजूरी दी गई है। जबकि इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि बिजली के जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था बिजली के सार्फीन के हवाले से उसका बगौर जायजा लेने के बाद उसकी भी अप्रूवल दी गई है। जी राउदिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।